with the name of Allah Almighty, waiting for Gado. Act 2. Today we will end this Act 2. Act 2 जहाँ से शुरू होता है वहाँ से near about 54 पेज आप टर्न करेंगे या डबल 27 पेज टर्न करेंगे. लेडमीर का डायलॉग है, हेल्प मी फर्स्ट देन वी विल गो टुगेदर. एस्ट्रागन, यू प्रॉमिस. दिस इज अनपॉपुलर एक्यूट अकेडमी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर ऑनलाइन स्टडी. यू कैन गूगल मी. मेरी फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप. लेक्चरर M.K. भुट्टा. फ़ोन नंबर 0333-4655305. लेडमीर, लेडमीर नीचे लेटा हुआ है. लक्की नीचे लेटा हुआ है और लक्की के ऊपर गिरा हुआ है फैजो. लेडमीर हेल्प के लिए बुला रहा है एस्ट्रागन को. हेल्प मी फर्स्ट, हेल्प मी अप फर्स्ट, पहले मेरी मदद करो. देन वी विल गो टुगेदर, फिर हम इकट्ठे जाएंगे. यू प्रॉमिस, वादा है. आई स्वेयर इट, मैं कसम खाता हूँ. एंड वी विल नेवर कम बैक, और फिर हम कभी वापस नहीं आएंगे क्या? लेडमीर, नेवर, हम कभी वापस नहीं आएंगे. एस्ट्रागन, वी विल गो टू द फेरनीज, हम फ्रांस और स्पेन के दरमियान जो माउंटेन रेंज है वहाँ चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे. लेट मी, वेयर एवर यू लाइक, जहाँ पर जाना तुम पसंद करोगे वहीं पर जाएंगे. आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू वंडर इन द फेरनीज, मैं फेरनीज में आवारा गर्दी करने का शौकीन हूँ, मेरा शौक रहा है. लेट मी, यू विल वंडर इन देम, तुम उनमें लाजमी आवारा गर्दी करोगे. रिकॉइलिंग, एस्ट्रागन आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटता है और वहां पर पाद की आवाज आती है, कोई हवा खारिज करता है अपने बाउल से. तो एस्ट्रागन कहता है, हु फार्टेड, फार्टेड, किसने पाद मारा है? लेट मी, फैजो, फैजो ने मारा है. हेर हेर पेटी, यहाँ यहाँ मुझ पर रहम खाओ. वो कहते हैं, मुझे उठाओ. एस्ट्रागन, इट्स रिवॉल्टिंग, ये डिसगस्टिंग है, ये नफरत अंगेज है, ये बदला है, ये हमसे बदला ले रहा है. लेट मी, क्विक, गिव मी योर हैंड, आओ जल्दी मुझे अपना हाथ दो, ऐसे जैसे बिलवड से मांगते हैं. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. पास, लाउडर, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. लेट मी, वेल आई सपोज इन द एंड आई विल गेट अप बाय माई सेल्फ, मेरा ख्याल में आखिर में मैं अपनी मदद आपके तहत उठ खड़ा होऊंगा. ही ट्राइज, फेल्स, उठने की कोशिश करता है, नाकाम. इन द फुलनेस ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ, जब वक्त का काफ़ी सारा धारा गुजर जाएगा तो मैं उठने के काबिल हो जाऊंगा. प्रॉब्लम ऑफ टाइम इज ओवर देयर, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसमें हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, टाइम से भी एक्सपेक्टेशंस करते हैं. एस्ट्रागन, व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या मामला है तुम्हारे साथ? वो गिरा हुआ है, गिरा हुआ एक मसला है, उसको उठाना है, उसको वो उठा नहीं रहा, हेल्प नहीं कर रहा, और हेल्प वो मांगे जा रहे हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, असल में एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो होते हैं वो इंसान के इनएक्टिव या इनएक्शन या कुछ ना करने वाले पहलू को उजागर करते हैं पूरी ताकत के साथ. और ये बताया जा रहा है कि इंसान की तमाम तर मसाइल, इंसान की डिजीजेज, इंसान के तमाम तर पर्पजेज, दे आर फ्यूटाइल, ये सारे के सारे फजूल किस्म के हैं. इंसान हेल्प के लिए मांग बुला रहा है, ये सारी हेल्प के लिए बुलाना, उसकी सफरिंग्स, उसके गम, उसके हिजन व मलाल, सारे के सारे बेकायदा और बेफायदा और फजूल किस्म के हैं. इस बात पर जोर दिया जाता है. दिस इज द थियरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म. अब यहाँ पर हेल्प मांगी जा रही है. व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या मामला है तुम्हारे साथ?
लेट मी गो टू हेल, जहन्नम में जाओ तुम। आर यू स्टेइंग देयर, क्या तुम यहीं पर रहोगे? फॉर अ टाइम बीइंग, वक्त के मुताबिक मैं यहीं पर रहूंगा, जब तक वक्त मेरा यहां पर है। कम ऑन गेट अप, यू विल कैच अ चिल, आओ उठ जाओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। सर्दी खड़े होकर भी लग सकती है, सर्दी लेट कर भी लग सकती है, लेकिन वहीं एग्जिस्टेंशियलिज्म, फजूल किस्म की सफरिंग। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में तुम परेशान मत हो। कम ऑन डीडी, डोंट बी पिग हेडेड, डीडी आ जाओ, सुअर के दिमाग वाले मत बनो, स्टूपिड मत बनो। ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड, और आखिरकार एस्टागन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। विच लेडमीर मेक्स हेस्ट टू सीज, और लेडमीर जल्दबाजी दिखाता है हाथ को पकड़ने के लिए। लेडमीर पुल, खींचो मुझे, हालांकि वो भी पुल करके ऊपर उठ सकता है, लेकिन वहीं फ्यूटाइल किस्म की, फजूल किस्म की सफरिंग, फजूल किस्म की हेल्प मांगना। एस्टागन पुल्स, एस्टागन खींचता है, स्टम्बल्स लड़खड़ाता है, फॉल्स गिर जाता है। लॉन्ग साइलेंस, अब चारों करैक्टर वहां पर गिर गए हैं। दो करैक्टर एस्टागन और लेडमीर, इन दोनों के सर लक्की के ऊपर हैं, और फैजो की बड़ी हिप वो लक्की की हिप के ऊपर है, और ये यहां पर पड़े हुए हैं, और ये सफरिंग में है। तो ये दिखाया गया है, दीज सफरिंग्स आर मीनिंगलेस। हेल्प, मदद करो मेरी। वी हैव अराइव्ड, हम पहुंच गए तेरी मदद को, खुद गिरे पड़े हैं। हु आर यू, तुम कौन हो? ये फैजो जो अथॉरिटी था, जो क्रूअल था, अब ब्लाइंड है, अब नीचे पड़ा हुआ है। मे बी ही इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, ये किसी देवता का रिफ्लेक्शन है। मे बी ये हेल्पलेस है, मे बी ये जब हेल्प मांगता है, जब ये कहता है कि तुम कौन हो, तो उस वक्त इसकी इम्परफेक्ट नेचर का पता चलता है। अगर ये देवता को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर भी ये इम्परफेक्ट है, ही इज़ नॉट परफेक्ट। ये उल्टा हेल्प मांग रहा है, और उल्टा अनसर्टेन है, ह्यूमन बीइंग से वाकिफ नहीं है, इसे पता नहीं है, अगर ये देवता है तो। वी आर मैन, हम इंसान हैं। देखा, इसीलिए मैन का बात की गई, क्योंकि उसको गॉड का रिफ्लेक्शन, देवता का रिफ्लेक्शन बनाया जा रहा है। साइलेंस, एस्टागन, स्वीट मदर अर्थ, वो जब जमीन पर लेटा है, तो ये इंसान अपने आप को मीठी टॉफियां, मीठी गोलियां कैसे देता है। वहां पर जब लेटा हुआ है, तो कहता है कि जमीन, ये माँ है जमीन हमारी। कैन यू गेट अप, क्या तुम उठ सकते हो? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, अनसर्टेनिटी है। ट्राई, कोशिश करो, ये फजूल किस्म की कोशिश। नॉट नाउ, नॉट नाउ, अभी नहीं, अभी नहीं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? लेट मी, वॉलेंटली, गुस्से से, जोर से, विल यू स्टॉप इट यू पेस्ट, क्या तुम चुप करोगे, बकवास बंद करोगे, कीड़े मकोड़े, अयाश मकड़े। ही थिंक्स ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ, ये फैजो किसी चीज के बारे में नहीं सोचता सिवाय अपने के। तो अगर फैजो गॉड का रिफ्लेक्शन है, देवता का रिफ्लेक्शन है, तो ये देवता अपनी बड़ाई, अपनी अजमत के बारे में सोचता है, और इसे ह्यूमन बींग से कोई कंसर्न नहीं है। What about a little snooze? क्या ख्याल है, यहां पर थोड़ी झपकी ना लगा लूं, नींद ना कर लूं? Let me. Did you hear him? क्या तुमने इसको सुना? He wants to know what happened. ये फैजो कहता है कि क्या हुआ है यहां पर? Don't mind him. Sleep. इसकी परवाह ना करो, सो जाओ। Silence. फैजो. Pity, pity. वो कहता है तरस, तरस। अब फैजो तरस मांग रहा है कि मेरे ऊपर तरस खाओ, और पब्लिक ये सोच रही है कि ये जो फिटी फिटी की आवाज है, यह तो हमें समझाने के लिए है। देवता एस्ट्रागन विद अ स्टार्ट, एकदम चौंकर, व्हाट इज इट, ये क्या है? लेट मी, वर यू अस्लीप, क्या तुम सो चुके थे? एस्टागन, आई मस्ट हैव बीन, मेरे ख्याल में मैं लाजमी सो गया था। इट्स दिस बास्टर्ड फैजो एट इट अगेन,
दोबारा रो रहा है, एट इट अगेन, दोबारा वही कर रहा है, रो रहा है कौन? ये बास्टर्ड, हरामी, फैजो, बास्टर्ड, हरामी, फैजो। तो किसी देवता जिसके फादर ना हो, ये उसकी तरफ भी इशारा है, अल्लाह ताला में माफ़ करें। एस्ट्रागन, मेक हिम स्टॉप इट, इसे चुप कराओ, किक हिम इन द क्रूच, इसके पेट में लात मारो, स्ट्राइकिंग फैजो, फैजो को मारते हुए, व्लादिमीर, फैजो को मारते हुए, विल यू स्टॉप इट, तुम चुप करोगे? क्रैब ब्लाउज, क्रैब ब्लाउज, क्रैब ब्लाउज कहते हैं जू को, पब्लिक एरिया में बसने वाले जो चीचड़ होते हैं, यानी कि अंडरशेव में, सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर जो बाल हैं उसके अंदर बसने वाले जो चीचड़ हैं, वो कहते हैं चीचड़ की औलाद, चीचड़, चुप करो। फैजो एक्सट्रिकेट्स हिमसेल्फ, फैजो अपने आप को ऊपर खींचता है, विद क्राइज ऑफ पेन, दर्द की चीख के साथ, एंड क्रॉल्स अवे, और वो क्रॉल करते हुए, रींगते हुए, माउंट, आगे सामने पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो अब फैजो अलग हो गया है इन तीन करैक्टर से, ही स्टॉप्स, वो रुकता है, साज द एयर ब्लाइंडली, वो अंधाधुंध हवा में देखता है, ब्लाइंड है, हवा में देखता है, कॉलिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाता है, व्लादिमीर प्रोप्ड ऑन हिज एल्बो, व्लादिमीर अपने एल्बो का सहारा लेता है, प्रोप्ड, सहारा लेता है, ऑब्जर्व्स हिज रिट्रीट, और वो फैजो की मूवमेंट देखता है कि वो कहाँ गया है, इज ऑफ, व्लादिमीर कहता है लो वो तो चला गया, फैजो कलाप्सिस, फैजो एकदम से गिर जाता है धड़ाम से नीचे, यानी कि वो पहले एल्बो और अपनी नीज पर था, जिस तरह के सजदे की हालत में होते हैं, तो बाद में वो फिर नीचे गिर जाता है, हिज डन, वो अब नीचे गिर चुका है। एस्ट्रागन, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें? व्लादिमीर, परहैप्स आई कुड क्रॉल टू हिम, मेरे ख्याल में मुझे फैजो के पास रिंग कर जाना चाहिए, डोंट लीव मी, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तन्हा हो जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं सफरिंग में आ जाऊंगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, व्हाट इज दिस, दीज सफरिंग्स आर द मीनिंगलेस सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आर आई कुड कॉल टू हिम, या मैं उसे आवाज देता हूं, किसको? फैजो को, कि फैजो वापस आ जाओ। एस्ट्रागन, यस कॉल टू हिम, हां उसे बुलाओ। लेट मी, फैजो, फैजो, नो रिप्लाई, वो दो बार आवाज देता है, कोई जवाब नहीं आ रहा, वो कहता है, एस्ट्रागन टुगेदर, आओ मिलकर आवाज दें, लेट मी, एस्ट्रागन, फैजो, फैजो, लेट मी, ही मूव्ड, वो तो चला गया, आर यू श्योर हिज नेम इज फैजो, क्या तुम्हें यकीन है उसका नाम फैजो है? व्लादिमीर अलार्म्ड, खटकते हुए, खबरदार होते हुए, मिस्टर फैजो कम बैक, वी वुडंट हर्ट यू, मिस्टर फैजो वापस आ जाओ, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। एस्ट्रागन, वी माइट ट्राई हिम विद अदर नेम्स, हम इसे कुछ और नेमों से पुकार कर देखते हैं, हो सकता है इसका नाम फैजो ना हो, कोई और हो, दिस इज द ह्यूमन रिलेशनशिप, ये इंसान का रिलेशनशिप है, चार लोगों के जरिए दिखाया गया है, जो कि एब्सर्ड रिलेशनशिप है, जो अनसर्टेन रिलेशनशिप है, ये आपस में मोहब्बत करते हैं, ये आपस में मोहब्बत नहीं करते, ये आपस में अलग अलग जाना चाहते हैं, अलग अलग रास्तों पर, फैजो लकी को छोड़ना चाहता है, एस्ट्रागन और व्लादिमीर आपस में ब्रेकअप करना चाहते हैं, लेकिन दोबारा इकट्ठे मिल जाते हैं, दिस इज़ द ह्यूमन एब्सर्डिटीज, ये इंसान की बेबसी है, हेल्पलेसनेस है, और उसके रिलेशनशिप की डेफिनेशन है, ये है हमारी ज़िंदगी। क्या फ़र्क पड़ता है कि इसका नाम फैजो हो, और हो सकता है कोई और नेम हो, और इसको किसी और नेम से पुकार कर देखते हैं, ये ख्याल है एस्ट्रागन का। व्लादिमीर, आई एम अफ्रेड ही इज डाइंग, मुझे डर लग रहा है कि मर रहा है, अगर वो अथॉरिटी है, वो क्रूअल है,
वो कैपिटलिस्ट है, वो सरमायादार है, वो देवता है, मरता है तो मर जाए, लेकिन उससे तुम्हें डर क्यों लगता है? दिस इज द रिलेशनशिप मैटर, प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप। इट वुड बी अम्यूजिंग, ये दिलचस्प होगा कि वो मरे और दूसरे इंसान को मरते हुए देखना, हम कितना दिलचस्पी से इस अमल को देखते हैं, उसमें कितनी में दिलचस्पी है। फिलहाल शख्स मर गया, हैं अल्लाह बख्श कहां चुंजी वाला मर गया, है रहते कैसे मरा, उसने अपने दिल के अंदर गोली मार दी। ओ अच्छा, दिल में गोली मार दी, नहीं फिलहाल शख्स अपने दिमाग में गोली, ओ नहीं उसने अपने सेक्सुअल ऑर्गन में गोली मार दी थी, ओह अच्छा। तो ये दिलचस्पी है हमारी, ये अम्यूजिंग है किसी को मरते हुए देखना। वट वुड बी अम्यूजिंग, क्या होगी अम्यूजिंग, आइडिया तब्दील हो गया। वट वुड बी अम्यूजिंग, क्या चीज़ अम्यूजिंग दिलचस्प होगी, टू ट्राई विद अदर नेम्स। उसने अब ये बैकेट की टेक्निक है, वो एक बात कहते हैं तो जवाब में किसी और बात का जवाब होता है, लेकिन वो बात उस पिछले डायलॉग से भी रिलेटेड होती है और रीडर उसको दोनों एज को इंजॉय करता है। तो दैट इज़ द एब्सर्डिटी ऑफ डायलॉग्स, ये टेक्निक की एब्सर्डिटी है कि टेक्निक किस तरह, जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट होते हैं, जो एब्सर्ड थिएटर के राइटर होते हैं, उनकी राइटिंग भी एब्सर्ड इसी तरह होती है। असल में वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट होते हैं, बहुत ज़हीन लोग होते हैं और वो ज़हानत के साथ इरेशनैलिटी पैदा करते हैं, इरेशनैलिटी को उजागर करते हैं, गैर अकलियत को पूरी अकलियत के साथ उजागर करते हैं। तो उसने कहा कि इसको दूसरे नेम से पुकारना दिलचस्प होगा, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा नेम। इट वुड पास अ टाइम, वक्त गुजरेगा, ये वक्त गुजारे के लिए इंसान अल्लाह बख्श, विलियम, फैजो, शेन, जेन, वेन, मुख्तलिफ नेम है, इंसान ही इंसान की वैल्यू कदर क्या है, उसकी रिलेशनशिप क्या है, उसकी इंडिविजुअली क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है उसकी, उसकी आइडेंटिटी क्या है, दैट इज़ नॉट अ मैटर, दैट इज़ द एक्चुअल मैटर, उसकी बीइंग की अवेयरनेस असल मैटर है, उसके नाम उसकी मैटर नहीं है, नाम कोई भी हो, असल चीज़ है उसकी बीइंग, उसके होने की अवेयरनेस, उसकी मौजूदगी की, उसकी रियलिटी की, उसकी साउल की, उसकी एज की, उसके टाइम की, उसकी कायनात के अंदर एग्जिस्टेंस की, उसके ब्रीफ होने की, उसके शॉर्ट होने की, उसके स्ट्रेंथ की, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं, उस पर हम गौर नहीं करते। तो क्या ये अम्यूजिंग होगा कि इसको हम मुख्तलिफ नाम से पुकारें, इससे वक्त गुजारी होगी, एंड वी वुड बी बाउंड टू हिट ऑन द राइट वन सूनर आर लेटर, बाउंड टू हिट, हम वी वुड बी बाउंड टू हिट ऑन राइट, हम सही नाम को आकर पुकार लेंगे, सही नाम को आकर पुकार लेंगे, सूनर और लेटर, जल्द या देर से मैं पुकारूंगा, मुख्तलिफ नामों से आखिरकार किसी एक नाम से मैं उसे पहचान लूंगा। मेरे उस्ताद, मेरे तायब, वो उतरे तो अड्डे पर, तो उसको किसी आदमी ने कहा, जी आप यहाँ पर किसी खादिम हुसैन को जानते हैं? उसने कहा, जी मैं तो नहीं जानता, बहुत सारे खादिम हुसैन होंगे। उसने कहा, जी मुझे उनसे मिलना है, एक खादिम हुसैन है जो इस शहर डीजी खान में रहता है। तो मेरे अंकल ने कहा, उसका सिंपल तरीका ये है, आप जाएं लोगों से पूछें किसी खादिम हुसैन को जानते हैं, तो कोई आदमी बता देगा कि खादिम हुसैन को मैं जानता हूँ, एक आदमी को, उस खादिम हुसैन के पास चले जाएँ, उसे कहें यार तुम किसी और खादिम हुसैन को जानते हो, वो आपको बताएगा मैं एक और खादिम हुसैन को जानता हूँ। तो इसी तरह आप सारे खादिम हुसैन से 10 दिनों में शहर के अंदर मिल लेंगे, तो उनमें से कोई एक वो होगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वाह क्या दिलचस्प मैटर है। लेट मी आई टेल यू हिज नेम इज फैजो, मैंने तुम्हें बताया है इस शख्स का नाम फैजो है। विल सून सी, जल्दी में पता चल जाएगा, ही रिफ्लेक्स, वो सोचता है, फिर वो पुकारता है, अबील अबील। अबील कौन था? आदम और हवा का दूसरा बेटा था जो कत्ल हो गया था, जिसको एक और शख्स ने मार डाला था, एक और बेटे ने मार डाला था लड़की के मामले पर।
शादी वाला मामला आपको याद आ गया होगा। अबील अबील फैजो हेल्प मदद करो मेरी। अब अबील उसने जो ही कहा तो उसने उस पर रिप्लाई दे दिया। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क पड़ता है कि मेरा नाम विलियम होता, क्या फर्क पड़ता है कि मेरा नाम काशीनाथ होता, क्या फर्क पड़ता है कि मेरा नाम खालिद है, मेरा नाम भुट्टा होता, मेरा नाम अमर होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में इंसान की बीइंग इंपॉर्टेंट है, उसका होना इंपॉर्टेंट है। गॉड इट एट वंस वन, एक नाम बोला ठीक जगह पर लगा। आई बिगन टू वेरी ऑफ दिस मोटिव, मैं नाम लेने वाले आइडिया से उकता चुका हूं, ये नाम लेने वाला मुख्तलिफ नाम से पुकारने वाला आइडिया अच्छा नहीं है। Perhaps the other is called Can, Can, Can। मैं दूसरे नाम से पुकारता हूँ खेन के नाम से। खेन कौन था? ये आदम और हवा का वो बेटा था जिसने अबील को कत्ल किया था। Help, मेरी मदद करो। एस्ट्रागन दोबारा एस्ट्रागन का डायलॉग आता है। Heal all humanity, ये तमाम इंसानों को रिप्रेजेंट करता है। जो नाम भी लो इसका नाम निकलता है। साइलेंस, लुक एट अ लिटिल क्लाउड, तो इस छोटे बादल को देखो ऊपर। अब उसने अबील का नाम लिया, फिर भी फैजो ने रिप्लाई दिया। उसने खेन कातिल का नाम लिया, फिर भी फैजो ने रिप्लाई दिया कि तमाम इंसान जो हैं एट द सेम टाइम कातिल भी हैं, एट द सेम टाइम मकतूल भी हैं, एट द सेम टाइम खुद देवता भी हैं, एट द सेम टाइम खुद पब्लिक भी हैं। This is the idea. That is unreasonable idea. That is irrational idea. But with full rationality, पूरी अकलियत के साथ ये idea है। There is something, कोई sense है, absurd sense है। इस दुनिया की physical दुनिया से मावरा भी कोई चीज़ें हैं, वो हैं senses, feelings, emotions, relationship, being, मौजूदगी, existence। तो मैं ही छुपा था कफे कातिल की शिकन में, मोहसिन नकवी का शेर है, मैं ही छुपा था कफे कातिल की शिकन में और मकतूल की टूटी हुई तलवार भी मैं था। मेरी ही सदा लौट के आती थी फलक से, मेरी ही सदा लौट के आती थी फलक से, शायद के फलक के उस पार भी मैं था। लेट मी रेजिंग हिज आइस, अपनी आंखें उठाते हुए, वेयर, कहाँ कहाँ है वो बादल का टुकड़ा? हालांकि दोनों का फेस आसमान की तरफ है और दोनों देख रहे हैं, फिर भी पूछ रहा है। देयर इन द ज़ेनिथ, वो देखो बामे अरूज पर, वो देखो ऊंचाई पर, उस सिमत में, किस सिमत में, किस अरूज पर? दिस इज एब्सर्ड, मोटिवलेस, कोई सिमत नहीं। वेल, अच्छा तो व्हाट इज देयर सो वंडरफुल अबाउट इट, इस बादल के बारे में हैरान कुन क्या चीज है? साइलेंस। लेट्स पास ऑन नाउ टू समथिंग एल्स, डू यू माइंड? आओ हम कोई और बात से पास वक्त गुजारें। नाउ टू समथिंग एल्स, किसी और बात से, डू यू माइंड? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? I was just going to suggest it, मैं भी यही कहने वाला था कोई और बात की जाए। But what, लेकिन क्या बात की जाए? आपने शुरू से अब तक देखा है कि इनकी एग्जिस्टेंस का पर्पज नहीं है, दैट इज द पॉइंटलेस एग्जिस्टेंस। किसी एक नुक्ते पर ये ठहरे नहीं है, किसी एक नुक्ते एक थीम को इन्होंने डिस्कस नहीं किया, किसी एक चीज को इन्होंने डिटरमाइन नहीं किया, ना जिंदगी को डिटरमाइन किया, ना मौत को डिटरमाइन किया, ना फांसी लगे हैं, ना जिंदा रहे हैं, ना गए हैं, ना ये यहां पर प्रॉपर तरीके से इन्होंने स्टे किया है, ना इन्होंने राइट वेट किया है, ना इनका गार्डो आया है। एवरीथिंग इज पॉइंटलेस, सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म की एक ये थ्योरी है कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो पॉइंटलेस है। एस्ट्रागन, सपोज वी गॉट अप टू बिगिन विद, अगर हम खड़े होकर फिर दोबारा आगाज करें तो कैसा लगेगा? वो
वी गॉट अप, खड़े हो जाएं टू बिगिन विद और फिर शुरू करें बातचीत. नो हार्म इन ट्राइंग, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं. दे गेट अप, दोनों खड़े हो जाते हैं. एस्ट्रागन और लेडमीर दोनों स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर. एस्ट्रागन, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों जैसा खेल है ये सारा. सिंपल क्वेश्चन ऑफ विल पावर, असल क्वेश्चन है विल पावर का, कि आपके अंदर विल पावर क्या है, आपके अंदर ख्वाहिश क्या है, आपके अंदर पावर ऑफ स्टे क्या है, आप कायम कितना रहते हैं. असल कहानी ये है जिंदगी की, पावर ऑफ स्टे फॉर वेटिंग फॉर गाडो, पावर ऑफ स्टे फॉर दिस वीराना, पावर ऑफ स्टे फॉर दिस डिस्कशन, पावर ऑफ स्टे फॉर दिस फ्यूटाइल स्ट्रगल. कौन चीज की, किस चीज की आपने विल पावर पैदा करनी है. एंड नाउ अब क्या करें, हेल्प, मेरी मदद करो, लेट्स गो, आओ चलें. वी कॉन्ट, हम नहीं जा सकते. वाई नॉट, क्यों नहीं जा सकते. वी आर वेटिंग फॉर गाडो, हम उसकी मदद को इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हम गाडो का इंतजार कर रहे हैं. हम हॉस्पिटल में पक्का करने मरीज को इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज हम चर्च जा रहे हैं. हम चर्च के बाहर बैठे हुए बैगर का हाथ पकड़कर उसको काम पर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमने चर्च के अंदर इबादत करनी है, हमारे पास वक्त नहीं है. हम अपने बच्चों की सही परवरिश, उनको सही गाइडलाइन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमने वो वक्त किसी और इबादत में गुजारना है, मंदिर में जाना है. डिस्पेयरिंग, मायूस, What will we do? अब हम क्या करें? What will we do? हम क्या करें अब? बार बार, What will we do? हम क्या करें? Nothing to be done. कुछ भी नहीं हो पाया. हम क्या करें? कुछ भी नहीं हुई. This is nothing. Nothing, कुछ भी नहीं हुआ. Act 1 आया, कुछ नहीं हुआ. Act 2 आया, फिर कुछ नहीं हुआ. Action, play, एक drama, एक action का नाम होता है. और क्या है, पूरे ड्रामे के दो एक्ट हुए हैं और इन एक्शन हुआ है. कुछ भी नहीं होने पर जोर दिया गया है. दिस इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, कुछ ना होने के पहलू उजागर किए जाते हैं. यहां पर दो करैक्टर हैं, दो करैक्टर, ट्वाइस करैक्टर हो गया, इन्होंने कुछ नहीं किया और दो एक्ट में आए हैं, दोनों एक्ट में कुछ नहीं किया. पैजो एंड लकी दो मर्तबा आए हैं और दोनों मर्तबा उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि एक ब्लाइंड हो गया, दूसरा गुंगा हो गया, रिग्रेसिव हो गया. दो मर्तबा, एक मर्तबा आ चुका है वो बॉय, लड़का, और उसने आकर जो पैगाम दिया है वो कुछ भी नहीं वाला प्रोग्राम पैगाम था. आगे आता है तो फिर दोबारा वो वहीं रिपीट करता है. व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे इस वैराने में, इस दुनिया के वैराने में. हेल्प, मेरी मदद करो, ये करने के लिए काम रह गया. मदद करो किसकी, जो सफरिंग में है. किस सफरिंग में है, उस सफरिंग में जो सफरिंग फजूल है. व्हाट अबाउट हेल्पिंग हिम, इसकी मदद के बारे में क्या ख्याल है. व्हाट डज ही वॉन्ट, एस्ट्रागन पूछता है ये क्या चाहता है. ही वॉन्ट्स टू गेट अप, ये उठना चाहता है. इसकी सबसे बड़ी सफरिंग, सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ा मर्ज, डिजीज इसका ये है कि ये उठना चाहता है. और ये कितनी फ्यूटाइल किस्म की, कितनी फजूल किस्म की सफरिंग है. देन व्हाई डजंट ही, तो ये उठता क्यों नहीं. ही वॉन्ट्स अस टू हेल्प हिम टू गेट अप, ये चाहता है कि हम इसी मदद, इसकी मदद करें उठने में. Then why didn't we? तो हम इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे. What were are we waiting for? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, हम इसकी मदद क्यों नहीं करते, क्या इंतजार कर रहे हैं. This is tragic comedy. At the same time dialogue आप देखें वो comic हैं. हमें इसको मदद चाहिए, हम इसकी मदद करें. आओ हम मदद करें, हम मदद क्यों नहीं कर रहे. हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, हम मदद क्यों नहीं करते. तो this is comedy. At the same time that is tragedy. कि एक मदद के लिए शख्स पुकार रहा है, उसकी मदद के लिए हम नहीं जा रहे, कर नहीं पा रहे. दे हेल्प फैजो टू हिज फीट, वो फैजो की मदद करते हैं, उसके पाँव को पकड़कर लेट हिम गो, और उस पाँव को फिर छोड़ देते हैं, उसकी टांग उठाते हैं फिर छोड़ देते हैं. ही फॉल्स, वो गिर जाता है. लेट मी, वी मस्ट होल्ड हिम, हम इसे लाजमी पकड़े रखें. अच्छा, दे हेल्प फैजो टू हिज फीट,
वो फैजो को उसके पाँव पर खड़े होने में मदद देते हैं, लेट हिम गो, और जब वो खड़ा हो जाता है तो छोड़ देते हैं, ही फॉल्स, वो दोबारा गिर जाता है। लैडमिर कहता है वी मस्ट होल्ड हिम, मेरे ख्याल में हम इसे पकड़े रखें, दे गेट हिम अप अगेन, वो दोबारा फैजो को उठाते हैं। फैजो सैज बिटवीन देम, दो लोगों के दरमियान में फैजो जो है झूलता है, नीचे झुकता है, हिज आर्म्स राउंड देयर नेक, और उस दियोकामत शख्स ने, उस कैपिटलिस्ट ने, उस देवता ने, उस सरमायादार ने, उस अथॉरिटी ने, उस ओनर ने, वो दोनों आर्म्स अपने इन दो करेक्टर्स की नेक में डाल दी है जो कि ट्रैप हैं। फीलिंग बेटर, क्या बेहतर महसूस कर रहे हो? उठते ही क्वेश्चन करता है, हू आर यू, तुम कौन हो? डू यू नॉट रिकॉग्नाइज अस, तुमने हमें पहचाना नहीं? फैजो, आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूं। साइलेंस। एस्टगन, परहैप्स ही कैन सी इन टू द फ्यूचर, अगर ये अंधा है तो ये फ्यूचर में देखेगा, बिकॉज ब्लाइंड की तो हिस तेज है, ब्लाइंड तो स्पिरिचुअल है, ब्लाइंड जो है वो देवता है, ब्लाइंड तो अनसीइंग होता है, देवता भी अनसीइंग होता है, किसी को नहीं देखता, सबको देखता है। आप देवता का, पोप का, बादशाह का एटीट्यूड देखे, कुछ ना देखते हुए देखता है, और अगर ब्लाइंड हो वो ह्यूमर हो, ब्लाइंड हो वो चाहे ह्यूमर हो, चाहे वो कोई ईडिपस रेक्स का ब्लाइंड प्रॉफ्ट हो, वो फ्यूचर को देख लेता है, वो प्रोफेसीज करता है। क्या आयरनी इस्तेमाल की गई है कि ब्लाइंड जो है वो प्रॉफिटिक मूड रखता है, वो तो फ्यूचर को देख लेगा। सिंस व्हेन, कब से तुम ब्लाइंड हुए हो? आई यूज्ड टू हैव वंडरफुल साइट, मेरी बहुत अच्छी नज़र थी, बट आर यू फ्रेंड्स, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त हो, या क्या तुम आपस में दोस्त हो, या तुम मेरे दोस्त हो? लाफिंग नॉसली, ही वॉन्ट्स टू नो इफ वी आर फ्रेंड्स, ये जानना चाहता है कि हम दोस्त हैं या नहीं हैं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं या नहीं हैं। ये वो वाकई एक दूसरे के दोस्त हैं, वाकई एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, वो वाकई उनकी आइडेंटिटी का पता नहीं है, सेम लाइक हमारी आइडेंटिटी का पता नहीं, हम दोस्त हैं, हम दोस्त नहीं हैं। नो ही मीन्स फ्रेंड्स ऑफ हिज, नहीं, उसका कहने का मतलब है कि क्या हम दोनों फैजो के दोस्त हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं? वेल, अच्छा तो लेट मी, वी हैव प्रूव्ड वी आर बाय हेल्पिंग हिम, हम तो साबित कर चुके इसकी मदद करके कि हम इसके दोस्त हैं। Exactly, would we have helped him if we were not his friends? क्या हम इसकी मदद करते अगर हम इसके दोस्त ना होते? Possibly. जवाब यह होना था कि अगर हम इसके दोस्त ना होते तो हम इसकी क्या मदद करते, तो कहते बिल्कुल ना करते। अगर हम इसके दोस्त ना होते तो क्या हम इसकी मदद करते? Possibly. हाँ, शायद हम इसकी मदद करते फिर। This is the absurdity. दोस्त हैं, उसकी मदद करते हैं, वो दोस्त नहीं है इसलिए उसकी मदद की है, दोस्त की मदद नहीं की, दूसरे की मदद कर दी है। एस्टगन जवाब में कहता है ट्रू, तुम ठीक कहते हो, हालांकि एस्टगन का आइडिया कुछ और था। लेट मी, डोंट लेट केबल अबाउट दैट नाउ, केबल का मतलब फिक्राबाजी करना, बस करो अब ये फिक्रेबाजी बंद करो। फैज, यू आर नॉट हाईवेमैन, क्या तुम हाईवे के आदमी नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर रोड पर चलने फिरने वाले, रोड की हिफाजत करने वाले, क्या रास्ते में मिलने वाले कोई दोस्त हो? हाईवे मैन, डू वी लुक लाइक हाईवे मैन, क्या हम हाईवे मैन लगते हैं? डेन इट, कांट यू सी द मैन इज ब्लाइंड, लानती इंसान, देखो तो सही वो बंदा ब्लाइंड है, तुम ऐसे खाम खा उसको कह रहे हो कि क्या हम हाईवे मैन लगते हैं, तो वो तो है ही ब्लाइंड। Dane it, so he is, लानत हो, हाँ ये तो है अंधा, so he says, बस वो ये कह रहा है। फैजो, don't leave me, मुझे छोड़कर मत जाना। Let me, no question of it, हम ऐसा कर भी नहीं सकते, for a moment, इस लम्हे तो नहीं कर सकते। What time is it, क्या वक्त हुआ है? वक्त के तलखियों से घबरा कर ये फैजो ब्लाइंड हुआ है,
कि ये इस वक्त की तलखी को देख नहीं सकता, और वो लकी जो इसको बातें सुनाता था, जो अपनी थिंकिंग बताता था, उस थिंकिंग का अब ये सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो म्यूट कर दिया गया है, गूंगा कर दिया गया है। फैज़ को टाइम का अंदाज़ा नहीं है। टाइम से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या टाइम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या वक्त हुआ है, इंस्पेक्टिंग द स्काई, आसमान देखते हुए, 7 o'clock, 8 o'clock, 7 बजे हैं या 8 बजे हैं, सुबह के शाम के कोई पता नहीं, हालांकि इवनिंग के 7 बजे हैं या 8 बजे हैं। That depends what time of year it is. ये तो depend करता है कि साल का कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा वक्त चल रहा है। Is it evening? क्या ये शाम है? Silence. Let me rest again. Scrutinize. Scrutiny से निकला है. Scrutinize the sunset. वो सूरज के डूबते हुए सूरज का तज्जिया करते हैं, डूबते हुए सूरज का तजिया करते हैं दोनों। एस्टगन, हालांकि सूरज डूब रहा है, इट्स राइजिंग, सूरज निकल रहा है। आपने शायद ये तजर्बा किया हो, 15 साल पहले मैं जब बिल्कुल लड़का था मैंने ये तजर्बा किया, रेलवे स्टेशन से परे पटरियों के साथ पीछे तालाब और फिर उसके अंदर सरकंडे, पीछे देहात और मैं ऊंचे टीले पर ठहरा हुआ बड़े बड़े दियो कामर ड्रम्स के साथ, और मैं सूरज के डूबने को देख रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा नज़ारा सुबह भी तो होता है, सुबह भी ऐसे लग रहा होता है, अगर ये सुबह हो तो कैसा फील होगा। मैं गर्मियों को सोता नहीं था, और मुझे एक दिन गर्मियों को जब नींद आ गई मैं सो गया, और मैं जब एकदम उठा 4 बजे या 5 बजे तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो धूप निकली हुई थी, और धूप भी निकली हुई थी, मैंने कहा सुबह हो गई है, साथ ही अजान भी आ रही थी। मैंने कहा सुबह सवेरे कैसे अजान आ सकती है, आई बस वो असर की अजान थी। मैं सरप्राइज हो गया और मैं पागल होने वाला हो गया कि ये क्या हो गया है, मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। आज मुझे वो चीज़ें याद आ रही हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स राइजिंग, सूरज निकल रहा है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, परहैप्स इट इज़ द डॉन, शायद ये सुबह है, डॉन है। डोंट बी अ फूल, पागल मत बनो, इट्स द वेस्ट और देयर, ये मगरिब है। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता ये मगरिब है, हो सकता है ये मगरिब ना हो, ये मशरिक हो। एंग्विश्ड, गुस्से में, इज इट इवनिंग, फैज़ गुस्से में कहते हैं क्या शाम है। एनीवे इट हैजंट मूव्ड, लेडमिर कहते हैं बहरहाल सूरज हरकत नहीं कर रहा, या शाम ढल नहीं रही। आई टेल यू इट्स राइजिंग, मैंने तुम्हें कहा सूरज निकल रहा है। फैज़ो, वाई डोंट यू आंसर मी, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते। एस्टेगन, गिव एज अ चांस, जैसे ही मौका मिलता है तुम्हें जवाब देते हैं, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे ही मौका मिलता है तो मैं हम आपको जवाब देते हैं। लेडमीर, रीश्योरिंग, दोबारा यकीन कायम करते हुए, इट्स इवनिंग सर, शाम का वक्त है जनाब, इट्स इवनिंग, ये शाम है, नाइट इज़ ड्राइंग नी, रात के घोड़े हिनहिना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रात जैसे बग्गियों में बैठी घोड़े आगे लगाए बढ़ रही हो, माय फ्रेंड हेयर वुड हैव नो डाउट, माय फ्रेंड हेयर वुड हैव मी डाउट, मेरा दोस्त इधर चाहता है मुझसे, वुड है मुझसे चाहता है, मी मुझसे डाउट, कि मैं शक करूं इट इवनिंग पर, एंड आई मस्ट कन्फेस, और मैं तस्लीम करता हूं, ही शोक मी, इसने मेरे पांव हिला दिए, इसने मुझे शक में डाल दिया फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, कि कहीं ये सुबह तो नहीं। बट इट इज नॉट फॉर नथिंग आई हैव लिव्ड, लेकिन इट इज नॉट फॉर नथिंग, लेकिन ये नहीं है क्योंकि मैंने गुजारा है, आई हैव लिव्ड, मैंने गुजारा है, नॉट फॉर नथिंग,
मैंने, इट इज नॉट, ये सुबह नहीं है, फॉर नथिंग, क्योंकि कुछ ना करने में, आई हैव लिव्ड थ्रू दिस लॉन्ग डे, मैंने ये सारा दिन गुजारा है, मुझे पता है मैंने कुछ ना करते हुए सारा दिन गुजारा है, इसलिए ये मॉर्निंग नहीं है, बट इट इज नॉट, लेकिन ये सुबह नहीं है, फॉर नथिंग आई हैव लिव्ड थ्रू दिस लॉन्ग डे, क्योंकि मैंने कुछ ना करते हुए सारा दिन गुजारा है, एंड आई कैन अश्योर यू, मैं यकीन दिला सकता हूँ, इट इज़ वेरी नियर द एंड ऑफ इट्स रिपर्टरी ट्रिक्स, लेकिन मैं यकीन दिला सकता हूँ ये शाम के आखिरी ट्रिक्स हैं, शाम के ट्रिक्स ख़त्म होने को हैं, नियर टू एंड ऑफ इट्स रिपर्टरी, शाम का झटपटा ख़त्म होने को है पास। हाउ डू यू फील नाउ, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? एस्ट्रेगन, हाउ मच लॉन्गर मस्ट वी कॉट हिम राउंड, कब तक हम इस फैजो के, हिम फैजो के, कॉट राउंड फैजो के, कब तक हम बैल बने रहेंगे, फैजो की बॉडी को कब तक हम अपने कंधों पर उठाए रखेंगे। दे हाफ रिलीज हिम, वो उसे छोड़ देते हैं थोड़ा सा, कैच हिम अगेन एज ही फॉल, जैसे वो गिरने लगता है उसे फिर पकड़ लेते हैं। कैपिटलिस्ट, देवता, पोप, अथॉरिटी, क्रूअल, गिरने भी नहीं देते उसे, छोड़ना भी चाहते हैं उसे। व्हाट अ कंफ्यूज स्टेट इज ओवर देयर, वी आर नॉट कैराटेड्स, कैराटेड्स, हम कोई स्पोर्टिंग पिलर तो नहीं है, हम कोई थंबे तो नहीं है, खंबे तो नहीं। यू आर सेइंग योर साइट यूज टू बी गुड, इफ आई हर्ड यू राइट, अगर मैंने सही सुना है तो तुम कह रहे थे पैजो कि एक दफा तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी काम करती थी। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल साइट, मेरी कमाल, कमाल, कमाल मेरी साइट थी। साइलेंस। एस्ट्रेगन इरिटेबली, एक्सपैंड, एक्सपैंड, फैलाओ, फैलाओ इसको, लंबा करो इसको कि बहुत वंडरफुल साइट थी। लेट मी, लेट हिम अलोन, छोड़ दो इसको अब। कांट यू सी ही इज थिंकिंग ऑफ द डेज व्हेन ही वाज हैप्पी, तुम देखते नहीं अब ये उन दिनों को याद करने लग गया है जिन दिनों में ये खुश होता था। ये खुशी के दिन याद जब कोई शख्स करता है तो उस वक्त वो टेरिबल कंडीशन में होता है। जब वो माजी की अच्छी चीज़ों को याद करता है तो प्रेजेंट को लाजमी ख़राब करेगा। जब 4000 साल पहले के बुद्धा की खुशियों को कोई शख्स बैठा याद करेगा तो प्रेजेंट के इस लैपटॉप के पीरियड को लाजमी ख़राब करेगा। वो टेरिबल है, उसको छोड़ देना चाहिए। मेमोरिया फ्रेटम बोनरम, मेमोरिया फ्रेटम बोनरम, मेमोरीज ऑफ गुड ओल्ड डेज दैट मस्ट बी अनप्लीजेंट, ये सबसे बुरी होती हैं। हमारे सबसे खूबसूरत गीत, अच्छे गीत वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा उदासी वाले होते हैं। हमारे सबसे खौफनाक और बदतरीन लम्हे वो होते हैं जिसमें हम खुशियों को, माजी की अच्छे दिनों को याद करते हैं। हम चाहते हैं वहीं चले जाएं, वहीं होती। एस्ट्रेगन, वी वुडेंट नाउ, ये टाइम का प्रॉब्लम बताया गया है, माजी, पास्ट, टाइम का प्रॉब्लम बताया गया है। वी वुडेंट नाउ, हम नहीं जानते। आप इस लाइंस को, ऊपर वाली लाइन को मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है रेफरेंस कंटेक्स्ट के लिए, और एट द सेम टाइम हम इनको यूज कर सकते हैं जब अगर क्वेश्चन आए कि रिलेशनशिप ऑफ टाइम या थीम ऑफ टाइम इन वेटिंग फॉर गाडो। एस्ट्रेगन, वी वुडेंट नाउ, हम नहीं जानते। एंड इट केम ऑन यू ऑल ऑफ अ सडन, अच्छा बताओ ये तारीकी या ये ब्लाइंडनेस तुम्हारे ऊपर एकदम आ उतरी। क्वाइट वंडरफुल, बहुत अच्छी साइट थी मेरी, या फिर वहीं कंफ्यूज स्टेट है, दो रुखी, या ब्लाइंडनेस बहुत वंडरफुल तरीके से मेरे ऊपर उतरी है। लेट मी,
I'm asking you if it came on you all of a sudden. क्या ये तुम्हारे ऊपर blindness अचानक उतरी है? फैजो, I woke up one day, one fine day. मैं एक सुबह अच्छी दिन को उठा as blind. मैं अंधा था. ऐसे blind था as fortune. जैसे कि किस्मत blind है. इंसान की किस्मत blind है. कातलों को, जानियों को, जाबरों को, जालमों को बख्श देती है बड़ी बड़ी खुशियाँ. ब्लाइंड है. पुअर को कैंसर देती है, पुअर को डिजीज देती है. वो डिजीज देती है जिस डिजीज के इलाज के लिए फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, अपने घर के सोना बेचकर, बर्तन बेचकर, और वो वहाँ पर फिर लूट लेता है. और ऐसे ऐसे इंकशाफ होते हैं कि किस्मत के, कि जब एक गरीब आदमी जाता है तो डॉक्टर उसको लूटने की पूरी कोशिश करता है. उसको पता है ना इसने थाने जाना है, ना इसने कचहरी जाना है, ना इसने कोई लॉ को लेना है, इसने कुछ भी नहीं करना. और इंसान अगर मर भी जाता है तो वो लिखवा कर अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, चीरा देकर बैठे रहते हैं, टीवी जियो देखते रहते हैं, और फिर दो घंटे के बाद बाहर निकालते हैं कि आपका आदमी ऑपरेशन के दौरान मर गया है, और 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया फीस ले लेते हैं मुर्दे के ऊपर. हालांकि उनको पता होता है ये शख्स मर चुका है, मुर्दे का ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं. क्रुएलिटी, टायरनी, जुल्म, पाइल ऑन पाइल है. ये फॉर्चून की गलत तकसीम है किस्मत की. फास, इंसाफ होता है गरीबों के लिए, यहाँ पर इंसाफ है अमीरों के लिए. जैसे चाहें वैसे ले ले, खरीद ले. समटाइम्स आई वंडर इफ आई एम नॉट स्टिल असलीप. बाज़ुकात मैं तो हैरान होता हूँ, ऐसा लगता है कि अभी भी मैं सो रहा हूँ और मैं नींद में हूँ और मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ कोई. फैज़ो अपनी ब्लाइंडनेस को क्लियर नहीं करता. फैज़ो अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता. फैज़ो क्लियर नहीं बताता कि वाई ही इज़ ब्लाइंड, कैसे हुआ, कब हुआ. शायद ऐसा लगता है कि उसकी सेल्फ इम्पोज्ड ब्लाइंडनेस है, उसने अपने ऊपर ये ब्लाइंडनेस खुद तारी की है क्योंकि वो हकैक का सामना नहीं कर सकता. एंड व्हेन वाज दैट, कब तुम्हारे ऊपर ब्लाइंडनेस आई. आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता. बट नो लेटर देन यस्टरडे, लेकिन कल तो तुम अंधे नहीं थे, कल के बाद की बात है. फैज़ो वायलेंटली गुस्से से, डोंट क्वेश्चन मी, मुझसे सवाल मत करो. द ब्लाइंड हैव नो नोशन ऑफ टाइम, अंधे को वक्त का कोई पता नहीं होता. द थिंग्स ऑफ टाइम आर हिडन फ्रॉम देम टू, और वक्त की तमाम कंटेंट्स, वक्त के अंदर मौजूद घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, साल, सदियां, टाइम के तमाम तर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हिडन होते हैं ब्लाइंड से. लेट मी, वेल जस्ट फैंसी दैट. ठीक है, ऐसा ख्याल करो. आई कुड हैव सोन, मैं कसम खाता हूँ. इट वॉज जस्ट द अपोजिट, कि मामला इसके बरक्स होना चाहिए था. मैं कसम से कह सकता हूँ कि तुम्हें वक्त का बेहतरीन अंदाज़ा होना चाहिए था एज अ ब्लाइंड पर्सन. मेरा ख्याल पैजो तुम्हारे ख्याल से बिल्कुल अपोजिट था. होना ये चाहिए था कि तुम्हें वक्त का बेहतरीन अंदाज़ा हो और तुम वक्त की चीज़ों को खूब समझते हो, लेकिन तुम इसके बरक्स कह रहे हो. एस्टिंग आम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. वेयर आर वी, हम कहाँ पर हैं. आई कुडंट टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता. इट इज नॉट बाय एनी चांस द प्लेस नाउन एज अ बर्ड. क्या ये बोर्ड नहीं है, बोर्ड का इलाका नहीं है. नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने तो बोर्ड का नाम कभी नहीं सुना. फैज़ो व्हाट इज इट लाइक, ये जगह कैसी लगती है. लेट मी लुकिंग अराउंड, देखते हुए. इट्स इनक्रेडिबल, नाकाबले यकीन लगती है. इट्स लाइक नथिंग, ये जगह ऐसे है जैसे ये कुछ भी ना हो. देर इज नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं है. देर इज ट्री, यहाँ पर एक दरख्त है. ये वैराना दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है. नाकाबले यकीन है ये दुनिया, ऐसे जैसे ये कुछ ना हो, ऐसे जैसे इसमें कुछ ना हो,
जैसे इसके अंदर थोड़ी सी नेचर हो कहीं पर, ट्री फैजो, देन इट्स नॉट द बोर्ड, फिर ये बोर्ड नहीं है। सेजिंग, नीचे झुकते हुए, एस्टगन, सम डायवर्शन, कोई तब्दील शुदा रास्ता है, कोई तब्दील होता हुआ रास्ता है, बस ये। वेयर इज माय मिनेल, मिनेल, मेरा गुलाम कहाँ है? लकी, ही इज अबाउट समवेयर, वो यहीं कहीं पर है। व्हाई डजंट ही आंसर व्हेन आई कॉल, जब मैं उसे पुकारता हूं तो आवाज क्यों नहीं देता? लेट मी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही सीम्स टू बी स्लीपिंग, लगता है लकी सो रहा है। परहैप्स ही इज डेड, लगता है कि वो मर गया है। फैजो, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, क्या हुआ है दर हकीकत? एग्जैक्टली, दर हकीकत। लेट मी, द टू ऑफ यू स्लिप्ड, तुम दो लोग, लकी और फैजो, तुम दो लोग स्लिप हुए थे, एंड फेल, और गिर गए। गो एंड सी इज ही हर्ट, जाओ और जाकर देख कर आओ क्या लकी जख्मी तो नहीं। वी कांट लीव यू, हम तुम्हें छोड़कर कैसे जाएं उसके पास? फैजो, कैपिटलिस्ट बीमार है, देवता बीमार है, देवता को सहारा देना है, देवता को सहारा दें, चर्च की खिदमत करें, उसको निखारें, खूबसूरत करें, उसकी एलाबोरेशन करें, उसकी डेफिनेशन करें, उसकी बाइबल को संवारें, उसकी तशरीहात करें, जाके गरीबों की मदद करें, जो बाहर चर्च के बाहर बैगर बैठे हैं उनकी मदद करें, उनकी आंखों में जो फोड़े निकले हुए हैं उनका इलाज करें। क्या करें हम? हम वहां नहीं जा सकते। यू डोंट बोथ गो, तुम दोनों मत जाओ। एक पादरी बन जाए मेरा, मुझे सहारा देकर ठहरा रहे, एक बाहर जाके उसे देख कर आए। टू एस्ट्रोगोन, यू गो, तुम जाओ। एस्टगन, आफ्टर व्हाट ही डिड टू मी, नेवर, इसने मेरे साथ क्या किया था, कभी नहीं जाऊंगा। लकी ने मुझे किक मारी थी, मैं नहीं जाऊंगा। यस यस, नॉट, हां हां, नहीं जाओ तुम। योर फ्रेंड गो, लेट मी, तुम्हारा दोस्त जाएगा। हालांकि उसे कहना चाहिए कि एस्टगन जाएगा, सॉरी लेडमीर जाएगा, लेडमीर तुम्हारा दोस्त जाएगा। योर फ्रेंड गो, तुम्हारा दोस्त जाएगा। ही स्टिंक्स, क्योंकि लकी से बहुत बदबू आती है। व्हाट इज ही वेटिंग फॉर, ये जाता क्यों नहीं, इंतजार किसका कर रहा है? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, एस्टगन किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर गार्डो, मैं तो गार्डो का इंतजार कर रहा हूं। खूब है, खूब है, बहुत खूब। एक गार्डो का इंतजार कर रहा है और दोनों गार्डो जैसे को सहारा देकर ठहरे हैं, और लकी जो हार्ट है, मुर्दा है कि जिंदा है, वो लकी है, खुशकिस्मत है, वो नीचे पड़ा हुआ है, उसकी मदद को नहीं जाया जा रहा। लेट मी, व्हाट एग्जैक्टली शुड ही डू, एस्ट्रागन को पैजो तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? पैजो बताओ, व्हाट एग्जैक्टली शुड ही एस्ट्रागन डू, कि एस्ट्रागन तुम्हारे लिए क्या करे? पैजो, वेल टू बिगिन विद ही शुड पुल ऑन द रोप, हाँ, काम का आगाज यूं करे कि एस्ट्रागन पहले पहले रोप को खींचे, लकी की रस्से को, एज हार्ड एज ही लाइक्स, इतना जोर से खींचे जितना जोर से ये खींच सकता है। सबसे पहले गुनाहगारों को खींचो, मारो, सजा दो, देवता का, ब्लाइंड देवता का यार्ड। सो लॉन्ग एज ही डजंट स्ट्रैंगल हिम, इतना ज्यादा नहीं कि उसका गला ही दब जाए, वो मर जाए। हाँ, सजा दो, मारो उसे, उसे खाल में बंद करके रखो, संडे की खाल में बंद करके रख लो, उसका, उसको मारो, कोड़े बरसाओ, लेकिन इतना ना मारो कि मर जाए। ही यूजुअली रिस्पॉन्ड्स टू दैट, मुझे आज भी याद है,
इकबाल नाम का लड़का था जो हमारे कारखाने में काम करता था, और वो उसे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक़ था और कभी कभी पतंग उड़ाने के लिए निकल जाता था। एक दिन पता चला कि वो पतंग उड़ा रहा है पटलियों के पार, कोई पीछे वीराने के अंदर, उसके पीछे देहात और मिट्टी के बड़े बड़े ढेर, पहाड़ नुमा। तो एक टीम को भेजा गया, काम अब्बा जी ने बंद करा दिया और 6-7 लड़कों की टीम को, जिसमें मैं खुद लीडर था, भेजा गया कि इकबाल को जाकर पकड़ो। और इकबाल बहुत तेज़ था, वो खूब भागा और पहाड़ों के अंदर से, कच्चे पहाड़ों के अंदर से, तालाब की साइड पर, देहात पगडंडियों में से वो गुजरता गया, और बिल्कुल फिल्मी सीन था। मैं भी फुल इंथ्यूज़ियाज़म के साथ भागता रहा, मेरे साथ लड़के भी थे, और आखिरकार मैंने उसको और हमने पकड़ लिया। वो हमसे बड़ा था इकबाल, मैं उस वक्त हूँगा तकरीबन कोई 13 साल का हूँगा। तो अब्बा जी भी पीछे से पहुँच गए, और मुझे याद है उसको बहुत थप्पड़ मारे। फिर अब्बा जी ने कहा कि इसे घसीटो, और उसकी टांगों से पकड़ लिया गया और उसको ज़मीन पर हमने घसीटा था, और हमने तकरीबन कम अज़ कम उसको कोई मील के चौथे हिस्से तक घसीटा था हमने उसको, यानी कि 10 मिनट या 7 मिनट हम उसे घसीटते रहे थे, और रोता रहा था। वो एक जवान लड़का था। फिर उसे घर लेकर आए कारखाने में, उसके दोनों हाथ ऊपर से बांध दिए और नीचे लटका हुआ था, और अब्बा जी ने तारें उठा ली बिजली वाली और उससे उसको मारा। उसके जिस्म के ऊपर रेड लाइंस मुझे याद है, अभी भी नज़र आ रही है। ऐसी तारों से अब्बा जी ने एक बार मुझे भी बहुत मारा था वैसे। और फिर हाजी अख्तर जो कारखाने में फोरमैन था, वो सुल्तान रे की शक्ल का एक बड़ा आदमी था, वो आया और उस बंधे हुए इकबाल के सर को पकड़कर उसको ज़ोर से उसने टक्कर मारी, जिस तरह फिल्मी सीन होता है, और ये उसको पनिशमेंट दी जा रही थी कि वो क्यों काम से निकल गया है। दीज आर द पर्सनल एक्सपीरियंसिस विच आई हैव सीन। सो ही वॉज ऑल्सो लकी। अब पता नहीं वो कराची में रहता है इकबाल या कहीं और रहता है, पता नहीं, अब तो वो काफ़ी बड़ा है, मैं दोबारा नहीं मिला उससे। लेकिन वट वॉज हैपनिंग, ये आपके पाकिस्तान के अंदर एक छोटे से शहर के अंदर दैट वॉज हैपनिंग, दैट वॉज ऑल्सो लकी। उसकी मदद करने की बजाय हम उसको मारते हैं। ही यूजुअली रिस्पॉन्ड्स टू दैट। अगर तुम उसे उसको खींचोगे रस्सी को हॉर्ड और मर ना जाए, इतना खींचो जितना तुम पसंद करते हो, तो यूजुअली वो रिस्पॉन्स कर देगा, लकी उठ पड़ेगा। इफ नॉट ही शुड गिव हिम अ टेस्ट ऑफ हिज बूट। अगर ना उठे तो फिर उसको बूट जोर से मारना, इन द फेस, चेहरे के अंदर बूट मारना, एंड प्राइवेट्स एज फार एज पॉसिबल, और जहां तक हो सके तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइवेट जो प्लेस है, सेक्सुअल ऑर्गन पर बूट मारना, तो वो उठ पड़ेगा। लेट मी To Estragon. You see, you have nothing to be afraid of. देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। It's even an opportunity to revenge yourself. तुम्हारे पास तो एक मौका है, तुम बदला ले लो उससे अपनी किक का। Estragon. And if he defends himself, अगर उसने अपने डिफेंस में मुझे मारा, no. He never defends himself. नहीं नहीं, ये ह्यूमन बीइंग है, ये डिप्राइव्ड ह्यूमन बीइंग है, ये कभी भी डिफेंड नहीं करेगा। इसका माल खा जाओ, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इसके खा जाओ, इसकी जायदाद हड़प कर जाओ, इसको इसके अपने घर से निकाल दो, नथिंग विल हैपन, ये डिफेंड नहीं करेगा। आई विल कम फ्लाइंग टू द रेस्क्यू। अगर ये डिफेंस में तुम्हें मारने लगेगा तो मैं तुम्हारे बचाव के लिए उड़ता हुआ आऊंगा, रेस्क्यू बचाओ फ्लाइंग उड़ता हुआ आऊंगा। Estragon, डोंट टेक योर आइज ऑफ मी, मुझसे आंखें मत उठाना, मेरे ऊपर नजर रखना, मुझे देखते रहना। ही गोज टूवर्ड्स लकी, वो लकी के पास जाता है। लेट मी मेक श्योर ही इज अलाइव बिफोर यू स्टार्ट। देख लो मारने से पहले कि ये जिंदा भी है कि नहीं। No point in exerting yourself if he is dead. अगर
ये मर चुका है तो फिर कोई फायदा नहीं है अपनी एनर्जी एग्जर्ट करने का, अपनी एनर्जी इस पर लगाने का। मुर्दा है तो अपनी एनर्जी ना लगाना ऐसे ही। एस्टागन बेंडिंग और लकी, लकी पर बेंड हो जाता है। ही इज ब्रीदिंग, ये सांस ले रहा है। देन लेट हिम हैव इट, तो फिर दो इसको जमा कर एक किक। विद सडन फ्यूरी एस्टागन स्टार्ट्स किकिंग लकी, गुस्से में आकर एस्टागन लकी को ठोकरें मारने लगता है। हर्लिंग अब्यूज और बड़ी बड़ी लंबी लंबी गालियां देने लगता है। एट हिम एज ही डस, जैसे ही वो किकिंग करता है। बट ही हर्ट्स हिज फूट, लेकिन एस्टागन अपने ही पांव पर चोट लगा बैठता है। एंड मूव्स अवे लिंपिंग, लड़खड़ाता हुआ टप्पे मारता हुआ साइड पर चला जाता है। एंड ग्रोनिंग और कराहता है। लकी स्टिर्स, लकी में हरकत पैदा होती है। एस्टागन, ओ द ब्रूट, ओए वैशी कोई, यानी कि मारा है तो उसको अपने लग गई है। मुझे टीचर ने कहा हाथ करो, मैंने हाथ आगे किया, उसे जोर से मारा, मैंने हाथ खींच लिया पीछे, उसे जोर से मारा, मैंने हाथ खींच लिया पीछे, और सीधा डंडा जाकर उसके अपने घुटने पर लगा और घुटने से खून आना शुरू हो गया। उसने मुझे मार मार के पागल कर दिया। उसने कहा वैशी गंदे बास्टर्ड कुत्ते कमीने बैन चोद, उसने कहा। दिस वॉज द सेम सिचुएशन, आई वॉज लकी ओवर देयर। He sits down on the mound, वो mound के ऊपर बैठ गया। कौन? एस्टागन। And tries to take off his boot, अपने बूट को उतारने की कोशिश करने लगा। But he soon desists, लेकिन जल्द ही वो कोशिश बंद कर देता है। And disposes, desist का मतलब कोशिश बंद करता है। And disposes himself for sleep, और अपने आप को शो कराता है कि जैसे वो नींद में चला गया है, नींद में चला जाता है। His arms on his knees, अपने हाथों को अपने घुटनों पर, अपने बाजू अपने घुटने पर लपेट लेता है। एंड हिज हेड ऑन हिज आर्म्स, और अपने सर को अपने कलाइयों के ऊपर धर देता है, योगा का पोज कर लेता है। What's gone wrong now, अब क्या गलत हुआ है? लेडवी, My friend has hurt himself, मेरे दोस्त ने अपने आप को जख्मी कर लिया। And lucky, और लकी का क्या हुआ? So it is he, अच्छा तो ये वो है, अच्छा तो ये लकी है। What? Let me, it is lucky, क्या ये लकी है? Because I don't understand, मैं समझा नहीं। अच्छा तो ये खुशकिस्मत है, मैं समझा नहीं। Let me, and you are Pezzo, और क्या तुम Pezzo हो? Certainly I am Pezzo, यकीनन मैं Pezzo हूँ, मुझे यकीन है मैं Pezzo हूँ, ये तो certainty हो गई। क्या हूँ? Pezzo, लेकिन Pezzo कौन है? This is again uncertainty. The same as yesterday, वैसे ही Pezzo जैसे कि कल थे। Yesterday, कल क्या होता है? We met yesterday, हम कल मिले थे। Silence. Do you not remember, क्या तुम्हें याद नहीं?